Hello, my dear students. How are you all doing? I hope all of you are doing amazing. All of you are doing great. I am great as well. I am Nandini. I am your educator and mentor at Learn Karo. I am taking your legal studies for class 11th as well as 12th. Class 12 ka pura syllabus YouTube par jal chuka hai. Any doubts, any queries, you can always tell me in the comment box. You can also chat with us. Learn Karo, the live learning app par aap mere saath chat kar sakte hai. Faculty ke saath baat kar sakte hai. And you can also talk to Gokul sir about any doubts, any query you guys have. If you want to have access to our course, aapko notes chahiye, sab kuch humne available kara diya hai on our app. App ka link aapko description box mein mil jayega. Nahi to aap Play Store par bhi jaakar search kar sakte ho. Hamari Android app hai, Learn Karo, the live learning app. Alright, cool hai. Alright, so ancient Indian law hum logon ne start kar diya tha. Part 1 has already been uploaded. This is part 2 of ancient Indian law. Unit 3, chapter 1 kar rahe hain. ठीक है, थोड़ी सी लर्निंग है. स्मृतिस के बारे में हमने पिछली बार उसमें बात किया था, वैदिक एज के बारे में बात किया था. दैट वाज द बेस ऑफ इट. तो बेस पता होना जरूरी है. धर्म हम पढ़ चुके हैं, धर्म सोर्सेज ऑफ धर्म और हिंदू लॉ भी हम पढ़ चुके हैं. इन दिस वीडियो वी गोना कवर धर्मशास्त्र. ठीक है, हम कवर करने वाले धर्मशास्त्र क्या होता है. लेट्स लुक एट दिस. व्हाट इज धर्मशास्त्र, देखो इसे ध्यान से समझो. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन ये भी आता है कि डिफरेंस क्या है धर्म और धर्मशास्त्र में. तो मेरे सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए धर्म क्या है, धर्मशास्त्र क्या है और उनके बीच में डिफरेंस क्या है. ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं. धर्मशास्त्र जो है एक एग्जांपल है स्मृति का. नाउ व्हाट इज स्मृति. देखो स्मृति क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में यही पढ़ा था. ह्यूमन ऑथर्ड रिटन टेक्स्ट होते हैं. ठीक है, ह्यूमन ऑथर्ड रिटन टेक्स्ट होते हैं. और टेक्स्ट किस चीज के होते हैं. दीज ऑल आर टेक्स्ट ऑफ कलेक्टेड ट्रेडिशंस. ठीक है, यही हमने पिछले वीडियो में यही पढ़ा था. स्मृतिज हमें पता है. तो यही बताया गया है दैट धर्मशास्त्र जो है एक एग्जाम्पल है स्मृति का. दे आर संस्कृत. संस्कृत में है. लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत है, पता होना चाहिए. रिटन टेक्स्ट है ऑन रिलीजियस एंड लीगल ड्यूटीज. आपको रिलीजियस ड्यूटी क्या परफॉर्म करनी है, लीगल ड्यूटीज क्या परफॉर्म करनी है, दैट इज वॉट धर्मशास्त्र टेल्स. एंड धर्मशास्त्र आर वॉल्यूमनस, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम होते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं. देर आर हंड्रेड ऑफ सच टेक्स, बहुत लंबे लंबे हंड्रेड ऑफ टेक्स है. अलग अलग वॉल्यूम्स है इसकी, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू, विच मीन्स अलग 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 बताया गया है. Hundreds of such texts है, मतलब बहुत ज़्यादा voluminous है, मतलब बहुत ज़्यादा text है इसमें. The two most important features, क्या-क्या important features? कि ये provide करते हैं rules for the life of an ideal householder. Householder मतलब मकान मालिक या फिर somebody, not मकान मालिक in literal sense, but somebody who has a house or a family owner, जिसकी family है, is a householder. And they contain the Hindu knowledge about religion, law, ethics and so on. So धर्मशास्त्र के features क्या है, कि एक तो रूल प्रोवाइड करता है कि एक आइडल हाउस होल्डर की, मतलब जिसकी एक फैमिली है, हाउस है, उसको कैसे अपनी लाइफ बतानी चाहिए, व्हाट शुड बी द लाइफ ऑफ एन आइडल हाउस होल्डर. सेकेंडली क्या बताता है, कि हिंदू नॉलेज बताता है अबाउट रिलीजन, एथिक्स, व्हाट शुड बी द लॉ, करेक्ट लॉ क्या है, एथिक्स क्या है, ये सब धर्मशास्त्र बताता है. सो हम हमेशा ऐसे लिखेंगे फीचर्स डॉट डॉट करके, हम पॉइंट्स में हमेशा बताएंगे कि क्या क्या फीचर्स है धर्मशास्त्र के. ऑलराइट, नाउ व्हाट ऑल आर द टॉपिक्स दैट आर कवर्ड इन धर्मशास्त्र. धर्मशास्त्र के थ्री कैटेगरीज हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज अचारा. अचारा हमने उसमें भी पढ़ा था, धर्म में भी पढ़ा था. जब हम सोर्सेज पढ़ रहे थे तो हमने अचारा पढ़ा था. अचारा हमने पढ़ा था कि कस्टमरी लॉ होता है. तो अगेन अचारा वही है विच प्रोवाइड्स रूल्स और डेली रिचुअल्स. ये बताया है क्या रूल्स है, क्या डेली रिचुअल्स आपको फॉलो करने हैं. जैसे रिचुअल प्योरिफिकेशन जैसे हम पढ़ रहे थे ना, सिमिलरली ये बताया गया व्हाट ऑल आर द रूल्स, डेली रिचुअल्स क्या होने चाहिए. लाइफ साइकिल राइट्स क्या है, राइट्स मतलब क्या क्या रिलीजियस काम आपको करने हैं. राइट्स मीन्स सर्टेन सेरेमोनियस थिंग्स as well as specific duties and proper conduct that each of the four castes or varnas has to follow. तो क्या क्या ये चार कास्ट होती हैं? ये चार कास्ट कौन सी होती है, ब्राह्मिन्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. ठीक है, इनकेस यू डोंट नो दिस, ये आप लिख सकते हो, दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट फोर कास्ट यही होती है हिंदूज की. फोर कास्ट आर ब्राह्मिन, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. तो यही बताया गया है दैट क्या सबसे पहली बात क्या है, वी डिस्टिंग्विश देम इनटू थ्री कैटेगरीज. थ्री टॉपिक्स में हम पढ़ते हैं धर्मशास्त्र को. सबसे पहले है अचारा. अचारा क्या बोलता है कि डेली रूल्स क्या होने चाहिए, क्या राइट्स होने चाहिए, क्या आपको परफॉर्म करना है, यही सब बातें क्या करता है, अचारा के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. कि स्पेसिफिक ड्यूटीज क्या है, प्रॉपर कंडक्ट क्या होना चाहिए एक इंसान का, दैट ईच ऑफ द फोर कास्ट मस्ट फॉलो. फोर कास्ट कौन सी है, मैंने आपको बता दिया है. The daily rituals, whatever actions you're performing, include practices about daily sacrifices. क्या आप क्या sacrifice कर रहे हो, is one of the examples. Kind of food you eat,
you eat vegetarian? Are you a vegetarian? You're a non-vegetarian? What kind of food do you eat? And how to obtain them? Or our food kaise le rahe ho? Chori to nahi kar rahe ho? So that is how you're taking. You're working hard for it. अच्छे से काम कर रहे हो, गलत काम में इन्वॉल्व तो नहीं हो. एंड हु कैन गिव एंड हु कैन एक्सेप्ट रिलीजियस गिफ्ट? किसको आप दे सकते हो रिलीजियस गिफ्ट, कौन एक्सेप्ट कर सकता है? ये सब चीजें जो है आचारा में हम लोग पढ़ते हैं. दिस इज द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ धर्मशास्त्र. सो लाइफ साइकिल राइट्स जो है आर द रिचुअल्स दैट आर कंडक्टेड ऑन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लाइक. ये सब ये बताया गया जो लाइफ साइकिल के राइट्स होते हैं. राइट्स मतलब रिचुअल्स होते हैं. ऑल द एक्शंस दैट यू टेक, छोटे छोटे यू नो परफॉर्मेंस आप करते हो, मतलब राइट्स इन द सेंस. Rites in the sense that religious, इसे मान लेते हैं religious या ceremonial act है, या फिर और ceremony बोल सकते हैं इसे, ठीक है. Sacred होना चाहिए, religious या sacred मतलब भगवान से related होना चाहिए. तो यही बात कह रहे हैं, like birth है या फिर marriage है किसी की, ये सब rites perform होते हैं. सात फेरे हैं, ये सब चीजें क्या हैं? All of these are acts only, ठीक है. ये acts ही हैं, ceremonies ही तो है ये. और टाइम ऑफ सेक्रेट थ्रेड तभी होता है जब शादी होती है. आचार्यस आल्सो प्रोवाइड रूल्स फॉर ड्यूटीज ऑफ ऑल द आश्रम. आश्रम की क्या क्या ड्यूटीज हैं वो सब आचार्य ही बताते हैं. आश्रम आर द फोर स्टेजेस दैट इंक्लूड. आश्रम में क्या होता है? आश्रम आर द फोर स्टेजेस. उसमें क्या है, यही बात बताई गई है. इसमें आश्रम जो होता है ना, उसमें फोर स्टेजेस होते हैं. वो लोग फोर स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज ब्रह्मचार्य. ब्रह्मचार्य इज द वन जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसे ब्रह्मचार्य बोला जाता है. देन यू गेट ऑन टू दिस स्टेज, गृहस्थ बोलते हैं. मतलब मुझे इतनी हिंदी नहीं पता है, बट आप लोग देख लेना, इसकी स्पेलिंग्स वगैरह याद कर लेना. विच मीन्स हाउस होल्डर, समबडी हु हैज अ फैमिली, समबडी हु ओन्स अ हाउस. सो फिर होता है वन प्रस्थ होता है जो फॉरेस्ट में रहता है. हु इज अ फॉरेस्ट ड्वेलर, हु सर्वाइव्स विद फॉरेस्ट में सर्वाइव कर रहा होता है. देन द लास्ट वन इज सन्यासी. सन्यासी वही होता है रिनाउंसर, जो अपने सारे प्लेजर्स गिव अप कर चुका है. ही वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ, मतलब उसको मटीरियलिस्टिक चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा, कपड़े, ये सब चीजों से, स्टाइलिश फोन्स वगैरह, ये सब उसे नहीं चाहिए. ही हैज गिवन अप ऑल ऑफ द थिंग्स. वो एक बहुत साफ सीधी साधु वाली लाइफ जीना चाहता है. करेक्ट, ये बात समझ आई? तो अब हमें पता लगे टॉपिक, सबसे पहला कौन सा टॉपिक है? आचार है. फिर सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं दैट इज इंक्लूडेड इन धर्मशास्त्र इज व्यवहार. व्यवहार इज बिहेवियर. व्यवहार आर लॉज एंड लीगल प्रोसीजर्स है. क्या क्या लॉज होना चाहिए, कैसे प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए? दे इंक्लूड राजधर्म और द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशन समथिंग दैट वन मस्ट डू. ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है समथिंग दैट वन इज मॉरली बाउंड टू डू. ऑफ अ किंग टू ऑर्गेनाइज कोर्ट, उसे कोर्ट कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे सुनना है, कैसे एग्जामिन करना है, स्टडी करना है, इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ना है विटनेसेस को, एंड डिसाइड एंड एनफोर्स पनिशमेंट एंड परस्यू जस्टिस. कि जिसने गलत काम किया उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसे पिनलाइज किया जाएगा और जस्टिस मिलेगी जिसके साथ गलत हुआ है. सो ये क्या है? ये व्यवहार है, व्यवहार है, व्यवहार है, ठीक है, व्यवहार ऐसे इसको बोलते हैं. तो व्यवहार अल्टीमेटली आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, मतलब आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है. बट इस सेंस में, धर्मशास्त्र के सेंस में, इट मींस लॉज एंड लीगल प्रोसीजर्स इन द सेंस कि वो कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है कोर्ट्स को, कैसे उन्हें विटनेस किया जा रहा है, कैसे जस्टिस मिल रही है, कैसे पनिशमेंट मिल रही है, इज व्हाट इज व्यवहार. व्यवहार. सो थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड प्रायश्चित, मतलब व्हिच लेज आउट रूल्स फॉर पनिशमेंट्स एंड पेनेंसेस. पेनेंसेस मतलब होता है सेल्फ पनिशमेंट, ठीक है. ये याद रख लेना कि पेनेंसेस जो होते हैं, पेनेंसेस बोलते हैं इन्हें, इसका मतलब होता है सेल्फ पनिशमेंट. जो एक पनिशमेंट्स मिलती हैं या फिर यू नो समथिंग रॉन्ग यू हैव डन सिंस के लिए जो आपको सेल्फ पनिशमेंट मिलती है फॉर वायलेटिंग द लॉज ऑफ धर्म. अगर आप लॉज ऑफ धर्म को फॉलो नहीं करते हैं तो प्रायश्चित बोलते हैं इसको. कि रूल्स क्या क्या है, क्या क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए आपको, या सेल्फ पनिशमेंट मिल जाती है. दे आर अंडरस्टूड टू रिमूव द सिन ऑफ कमिटिंग समथिंग दैट इज फॉरबिडन. अगर कोई चीज मना है, कोई चीज गलत है, आप उसे फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको पनिशमेंट मिलती है, या आपको खुद से ही पनिशमेंट मिल जाती है. अगर आपको लॉ भी पनिशमेंट नहीं कर दे रहा है, इन दैट केस यू गेट पनिशमेंट अलग से ऑल्सो आपको मिल जाती है. वॉट इज कॉल्ड सेल्फ पनिशमेंट. मैं आपको ये बताना पेनेंसेज जो बोला हुआ है तो उसमें यही बात कर रखी है कि यू नो दिस थर्ड कैटेगरी प्रायश्चित में यही होता है. इट टॉक्स अबाउट पनिशमेंट एंड पेनेंसेज. पेनेंसेज मीन सेल्फ पनिशमेंट विच इज डन टू यू नो इफ यू हैव कमिटेड सिन विच इज फॉरबिडन, जो चीज मना करी गई हुई है, ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टेक्स्टुअल हर्म्यूटिक्स. मतलब क्या होता है हर्म्यूटिक्स का? मतलब आप लोग लिख सकते हैं इंटरप्रिटेशन होती है. इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट? इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल हो गया, या फिर कोई भी ऐसे लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं ना,
लेट्स जस्ट कॉल देम लिटरेरी टेक्स्ट. इनका जो इंटरप्रिटेशन होता है इसे ही होमिलेटिक्स बोलते हैं. थोड़ा सा लंबा टर्म है, थोड़ा सा टफ टर्म है, बट आपको इसका मतलब पता होना चाहिए. ट्रेडिशनल होमिलेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन. यही बताया हुआ है, इंटरप्रेट करना रिटन टेक्स्ट को इन एरियाज ऑफ रिलीजन है, चाहे लॉ की बात है, चाहे लिटरेचर की बात है, उनके इंटरप्रिटेशन को ही ट्रेडिशनल होमिलेटिक्स बोलते हैं. देन धर्मशास्त्र ट्रेडिशन यूजेस द टेक्स्टुअल होमिलेटिक्स नोन एज पूर्व मीमांसा. ये क्वेश्चन आ जाता है कि मीमांसा क्या होता है, ये पूर्व मीमांसा व्हाट इज दिस, अगेन अ टू मार्क क्वेश्चन. दिस कैन कम, आपको पता होना चाहिए टू इंटरप्रेट इट्स टेक्स्ट. सो यही बात करी गई है, ये लोग यूज किसका करते हैं, ये यूज करते हैं पूर्व मीमांसा का, यूज करते हैं टू इंटरप्रेट इट्स टेक्स्ट. पूर्व मीमांसा प्रोवाइड्स इन डिटेल द नॉलेज ऑफ हाउ टू इंटरप्रेट द वैदिक टेक्स्ट्स. वैदिक टेक्स्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाए ये वही बात करते हैं. पूर्व मीमांसा प्रोवाइड इन डिटेल द नॉलेज ऑफ हाउ टू इंटरप्रेट द वैदिक टेक्स्ट इंक्लूडिंग द धर्मशास्त्र टेक्स्ट. सो अगेन टू मार्क क्वेश्चन में आपको इतनी बात ही लिखनी है कि पूर्व मीमांसा क्या होता है, हाउ इज इट रिलेटेड टू धर्मशास्त्र. आप ये पूरा पैराग्राफ वहां पर लिख सकते हैं. यू कैन टॉक अबाउट ट्रेडिशनल ह्यूमेनिटिक्स हर्मेनुटिक्स. ठीक है, बात समझ आई. टेक्स्टुअल यही बात है ना, टेक्स्टुअल हर्मेनुटिक्स. ठीक है, ये बात क्लियर हुई. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र टेक्स्ट कौन कौन से हैं. देयर लिटरली हंड्रेड्स ऑफ टेक्स्ट, वी ऑलरेडी नो हंड्रेड ऑफ टेक्स्ट हैं, बहुत वॉल्यूमनस है. दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ धर्मशास्त्र टेक्स्ट. धर्म सूत्र आर द फर्स्ट फोर टेक्स्ट ऑफ धर्मशास्त्र. धर्मशास्त्र के अंदर है धर्म सूत्र, विच मीन धर्मशास्त्र एक ब्रॉडर टर्म है. धर्म सूत्र आर फर्स्ट फोर टेक्स्ट that are under the category of dharmashastra. The Sanskrit meaning of dharma sutra is righteousness. Righteousness, thread or strength. So righteousness ka matlab kya hota hai? Morally correct, morally justifiable. Theek hai? Ye maine aapko bataya tha na, something that's morally correct or justifiable is called righteousness. Righteousness, thread ya string bol sakte hain. Written format jo hota hai dharma sutra ka is prose style. Theek hai? Prose style kya hota hai? Prose style mein koi rhyming nahi hoti. It's more like simple lines hoti hai. ठीक है, प्रोज स्टाइल का मतलब ये होता है. दे डील विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ धर्म, धर्म की बात करते हैं, और गाइड बुक्स जैसी होते हैं धर्म के ऊपर. विद रूल्स ऑफ कंडक्ट, व्हाट शुड बी योर कंडक्ट, हाउ शुड यू एक्ट, क्या रिलीजियस एक्ट्स होने चाहिए, सेक्रेड एक्ट्स होने चाहिए, व्हाट शुड बी यू नो योर सेरेमनीज. और लाइक धर्म सूत्र डिस्कस करता है रूल्स फॉर ड्यूटीज ऑफ ऑल द आश्रम. आश्रम के बारे में क्या क्या रूल्स होने चाहिए, ऑल द ड्यूटीज. इट टॉक्स अबाउट आश्रम, चाहे वो स्टूडेंटहुड की बात हो, हाउस होल्डरशिप की बात हो, चाहे रिटायरमेंट और फॉरेस्ट ड्वेलर. हमने फोर पढ़े थे ना, कौन कौन से थे, तो स्टूडेंटहुड है, हाउस होल्डर है, चाहे रिटायरमेंट और फॉरेस्ट ड्वेलर है, या रिनाउंसिएशन है जिसने सब कुछ गिव अप कर दिया है. ऑल्सो दे प्रोवाइड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ किंग्स एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स. अगेन हमने इसे पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैसे होगी, हाउ विल वन परफॉर्म. ठीक है, व्यवहार जैसे हमने पढ़ा था कि किंग कैसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स को देगा, कैसे जस्टिस देगा, कैसे पनिशमेंट देगा. अदर इशूज दैट धर्म सूत्र कवर इंक्लूड रूल्स अबाउट वन्स डाइट, तुम्हारी डाइट क्या होनी चाहिए, विच मीन्स व्हाट आर यू ईटिंग, क्राइम्स क्या है, पनिशमेंट्स क्या है, डेली सैक्रिफाइस क्या कर रहे हो, फ्यूनरल प्रैक्टिसेस कैसे होनी चाहिए. फॉर इंस्टेंस हिंदूज में जलाया जाता है डेड बॉडी को, बट मुस्लिम्स में क्या जाता है, दफनाया जाता है. तो ये फ्यूनरल प्रैक्टिसेस अलग होती है रिलीजन टू रिलीजन एंड इट कैन वेरी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट धर्म सूत्र टेक्स्ट आर सूत्र ऑफ अपस्तमा, गौतमा, बौद्ध दायना एंड वैशिष्ट, एंड दे कम फ्रॉम ज्योग्राफिकल लोकेशन. ये सब एल है, लर्न कर लेना, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है. ये ऐसे ऐसे नाम है कि मैं इनको इतनी बार पढ़ चुकी हूँ, बट मुझे भी इनको प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है. दे आर ऑल कम्पोज डिफरेंट टाइम्स रूटीन 600 और 100 BC में ये हुए थे. ये बात पता होनी चाहिए आपको कि किस टाइम पीरियड के हैं. ऑल सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट धर्मशास्त्र टेक्स्ट कौन कौन से हैं. मनुस्मृति, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लेना. यज, नलवाक्य स्मृति, फिर नराज स्मृति, विष्णु स्मृति, भ्रापृ स्मृति, देन कत्याय स्मृति, ये सब याद कर लेना. ये सब आई नो इट्स कॉम्प्लेक्स, बट अगर धर्मशास्त्र के बारे में लिखने आए तो एटलीस्ट यू कैन राइट टू थ्री तो याद कर लेना इनको. ठीक है, फॉर इंस्टेंस यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स. ठीक है, स्मृति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है धर्मशास्त्र में. दैट इज वाई ये देखो सब में लास्ट में स्मृति स्मृति जरूर है ना. मनुस्मृति है, विष्णु स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, ये सब याद कर लेना. आई नो मुझे डिफिकल्टी हो रही है इनको प्रोनाउंस करने में, थोड़े से टफ टर्म्स हैं ये, आप लोग के लिए भी टफ ही होंगे. तो बट अगेन यू कैन लर्न देम. आई नो एक दो बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे. दो तीन इन्हें याद कर लेना सो दैट यू कैन साइट एन एग्जाम्पल एंड
examiner knows, that my student knows. These texts were often used for legal judgments. Legal judgments ke liye and opinion ke liye use hote the. These are most prominent, sabse famous yehi hai. It is not clear if single or multiple authors wrote these texts. Abhi tak pata nahi hai kya bahut sare logon ne likha hai ya kisi ek insaan ne likha hai. But they differ in format and structure from Dharm Sutra and are written in verse form. ये बात करा गया जो धर्मशास्त्र के टेक्स्ट होते हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं इन स्ट्रक्चर फ्रॉम धर्मसूत्र एंड दे आर रिटन इन वर्स फॉर्म. वर्स फॉर्म होती है जिसमें रिदम होती है. रिदम मींस यू नो राइटिंग जब भी लिख रहे हो तो इट्स मोर लाइक पोएटिक. पोएटिक होती है मतलब साउंड सेम होती है लास्ट की. ठीक है तो जैसे पोएम जैसे बोला जाता है तो वो वर्स फॉर्म होती है. अनलाइक द प्रोज स्टाइल. प्रोज स्टाइल में सिंपल लाइंस लिखी होती है, कोई भी रिदमिक फॉर्मेट नहीं होता है, राइम नहीं कर रही होती है वो. बात समझ आई? अब क्लियर हुआ धर्मशास्त्र धर्मसूत्र में क्या फर्क है. देन वी टॉक अबाउट कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट क्या होता है. तो कमेंट्रीज वर रिटन बाय कमेंटेटर्स टू इंटरप्रेट एंड प्रोवाइड मीनिंग टू धर्मसूत्र टेक्स्ट एंड स्मृति एंड ईच कमेंट्री डिवोटेड टू वन पर्टिकुलर टेक्स्ट. अब कमेंट्रीज क्या होती है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आ जाता है कमेंट्रीज किस कौन लिखता था, कमेंटेटर्स लिखता था. इतनी बात हमें याद हो गई. क्यों लिखते थे, क्योंकि वो इंटरप्रेट करते थे और मीनिंग देते थे धर्मसूत्र टेक्स्ट और स्मृति को. तो यही काम था कमेंट्रीज का. ठीक है एंड ईच कमेंट्री जो थी वो डिवोटेड थी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए. हर पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए अलग कमेंट्री थी. फॉर एग्जाम्पल देयर आर कमेंट्रीज एक्सक्लूसिवली ऑन मनुस्मृति एंड याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर अलग. यू नो देयर इज अ कमेंट्री. कमेंट्री अलग है, डिवोटेड है डिफरेंट टेक्स्ट के ऊपर एंड सो ऑन. The digests were not restricted to one text. तो इनके बीच में difference आ सकता है. Again, ये maximum 2 marks में आएगा, इससे बड़ा नहीं आ सकता. इनके बीच में difference क्या है, difference हमें पता लग गया. जैसे कि जैसे ये लिखा जाता था पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए तो डाइजेस्ट रिस्ट्रिक्टेड नहीं था एक टेक्स्ट के ऊपर. दे वर अरेंज्ड बाय द टॉपिक और थीम. टॉपिक उठा लेते थे या थीम उठा लेते थे, सब्जेक्ट उठा लेते थे एंड वो बहुत सारे डिफरेंट धर्मशास्त्र टेक्स्ट और स्मृति को एक्सप्लेन करते थे एंड दे ड्रू अपॉन मेनी डिफरेंट धर्मशास्त्र टेक्स्ट. तो वो अलग से ऐसे नहीं कि मनुस्मृति उठा लिया या जैसे ये हो गया याज्ञवल्क्य स्मृति उठा लिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे नहीं करते थे. एक्सक्लूसिव नहीं होता था तो इसमें थीम उठा लेते थे, सब्जेक्ट उठा लेते, सब्जेक्ट मैटर उठा लेते थे, टॉपिक और थीम को उठाकर एंड दे ड्रू अपॉन मेनी डिफरेंट धर्मशास्त्र और एक्सप्लेन करते थे टॉपिक को. फॉर एग्जाम्पल देर आर डाइजेस्ट ऑन टॉपिक्स ऑफ रोल क्या है किंग का, इनहेरिटेंस कैसे होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, रिलीजियस राइट्स क्या है, क्या क्या व्हाट ऑल एक्ट्स डू यू हैव टू परफॉर्म, रिचुअल्स क्या होने चाहिए, अडॉप्शन कैसे करने है, कोई बच्चे को अडॉप्ट करना है या लिटिगेशन कोई भी केस लड़ना है या फिर जुडिशियल प्रोसीजर्स है वो कैसे होंगे. डाइजेस्ट जो है इन सब चीजों को डील करते थे अनलाइक कमेंट्रीज जो कि एक्सक्लूसिवली बात करती थी डिफरेंट डिफरेंट स्मृतिज की. बात समझ आई, क्लियर हुआ कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट क्या है. 2 मार्क क्वेश्चन मैक्सिमम इससे आ जाता है. आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल. पार्ट 2 एंड्स हियर, देयर इज पार्ट 3 ऑल्सो. पार्ट 3 के बाद ये वीडियो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आफ्टर विच वील स्टार्ट विद चैप्टर 2. आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल, समझ आ गया होगा. एनी डाउट्स एनी क्वेरीज यू गाइज हैव डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू गाइज वॉन्ट टू जॉइन द बैच क्लास 11th और क्लास 12th का बैच स्टार्ट हो चुका है. टेस्ट सीरीज हम लोग साथ साथ ले रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं. इफ यू हैवंट एनरोल्ड येट यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड. आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, यू कैन पिंग अस एंड टॉक टू अस फॉर एनी ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स सब्जेक्ट. वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर. सब यू नो देयर इज डिफरेंट फैकल्टी फॉर ईच सब्जेक्ट जो आपको अलॉट कर दी जाएगी वंस यू गेट एनरोल्ड. ठीक है, अभी खत्म करें हैं पार्ट 2 हियर ओनली. पार्ट 3 जल्दी अपलोड हो रहा होगा एंड टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सुपर सुपर सून. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.